जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अमन प्रसाद जी के जिस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका 29 अगस्त और 29 अगस्त को दोस्तों आपका थर्ड सेट का जो RRC ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम था वो समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 29 अगस्त थर्ड सेट में पूछे गए GK साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए तो उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत हद तक मदद मिल जाएगी। इस वीडियो का PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको PDF लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं आज का क्या क्या प्रश्न आपको देखने को मिला था थर्ड शिफ्ट के 29 अगस्त के डेट को। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो दोस्तों पूछा गया था आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। तो दोस्तों मालूम होगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आपका चलाया गया था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो कि जलकर मर गए थे। इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था। तो दोस्तों चौरा चौरी का घटना हो गया था आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस कारण दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दोस्तों गांधी जी से हर सीट में आपका एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। सेकेंड सीट में पूछा गया था आपका कि नमक जो सत्याग्रह है उसके बाद कौन सा सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो नमक सत्याग्रह के बाद दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के बारे में दोस्तों पढ़ के जाना है आपका जो जो भी प्रश्न आपका गांधी जी से बनता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखा गया था पॉलिटी से कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपका 12 से दिया हुआ था आपको ऑप्शन में 34, 35, 36, 52, 65 ऐसे ही आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो बात करें दोस्तों आपका पहले मौलिक अधिकार का, तो ये दोस्तों आपका पहले अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद 12 से 35 है, तो 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें कौन कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान में निहित 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाकर दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और कहाँ रखा गया है, तो आपका 300 का अनुच्छेद में रखा गया है। बात करें मौलिक अधिकार का ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों आपका भाग 3 में आपका ये पड़ता है और ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को भी दोस्तों याद रखना है, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार दोस्तों दोनों अलग अलग चीज़ है। तो दोनों के विषय में अगर आपका शिफ्ट में एग्जाम है तो उस कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कौन से भाग में है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही रहा है। तो इस शिफ्ट में भी पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कौन से भाग में है, तो ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों संविधान भाग 9 में जोड़ा गया था। तो भाग 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज संबंधित उपबंधों की चर्चा किया गया था अनुच्छेद 243 में। अगर अनुच्छेद पूछा होगा या पूछा जाएगा तो आपका 243 हो जाएगा। अब भाग 9 में पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 न या इंग्लिश में गए तो 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम है वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पढ़ के चल जाइएगा। 243 ओ तक नहीं भी पढ़िएगा तो ABC 3 जो ऊपर के 5 जो आपका अनुच्छेद है उसको पढ़कर जाइएगा क्योंकि उससे दोस्तों प्रश्न आपका हर शिफ्ट में आपका पूछते आए हैं। अगला पूछा गया था दोस्तों कि हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना के संबंधित कौन से भगवान हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था ब्रह्मा शिव इंद्र, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपके पास था जिसमें दोस्तों ब्रह्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। हिंदू दर्शन शास्त्रों में तीन प्रमुख देव बताए गए हैं जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सर्जक हैं, विष्णु पालक हैं और महेश विलय करने वाले देवता हैं। तो दोस्तों आपका ब्रह्मा जी बिल्कुल राइट आंसर थे जो कि दोस्तों हिंदू धर्म में आपका सृष्टि के रचनाकार के तौर पर आपके जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सिंधु नदी कौन से राज्य में प्रवाहित होता है। तो नदी से आपका 2 प्रश्न एक देखने को मिला था इस शिफ्ट में या हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल रहा है। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत या चीन के मानसरोवर झील के समीप होता है और तिब्बत से उत्तर पश्चिम में बहते हुए भारत के जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर के बाद पहले लद्दाख को फिर जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए गिलगित और बल्टिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करता था लेकिन 31 अक्टूबर के बाद आपका लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर से दोस्तों आपका सिंधु नदी बहता है। आपके ऑप्शन के अनुसार
आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था 2022 में, उसमें सिल्वर मेडल कौन जीती थी। तो दोस्तों एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो भारत ने दीपक पुनिया ने पुनिया ने रविवार को 86 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में कजाकिस्तान के आजमत डोलेट बेकअप को 1-6 से हराकर रजत पदक जीता था। तो लेकिन दोस्तों आपका शायद महिला में पूछा था, तो इससे पहले दोस्तों भारतीय पहलवान अंशु मलिक 57 किलोग्राम और राधिका 65 किलोग्राम ने शुक्रवार को सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। इससे शायद अंशु मलिक आपका शायद ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था, तो अंशु मलिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर कौन सा है, या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा था। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, तो ये एक तरह से बोला जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम यानी हिमालय में स्थित है। कहा जाता है कि लगभग 78 किलोमीटर में फैला ये ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो अगर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो आपका सियाचिन हो जाएगा, विश्व का दूसरा दोस्तों आपका सियाचिन ही हो जाएगा। अगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पूछा होगा तो इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बात कर दोस्तों लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाड़ में दोस्तों एंजाइम एमिलेस एक एंजाइम है जो कि लाड़ में पाया जाता है, जिसे पत्यालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। तो लाड़ में दोस्तों एमिलेस नाम का जो प्रोटीन आपका एंजाइम है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलता है। तो बात कर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का, तो नहर पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू होता है और देश की सबसे लंबी ये नहर 649 किलोमीटर लंबी है। तो कहाँ से होता है दोस्तों, हरिके बैराज से शुरू होता है, ब्यास नदी के संगम पर बना हरिके बैराज से, कहाँ, पंजाब के फिरोजपुर के निकट से। तो आए आंसर को आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पार्टी के सिंबल से प्रश्न आया था कि कौन से पार्टी से का ये सिंबल है। चार ऑप्शन दिया गया था आपका कि नेशनल कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी, AIMI पार्टी का। तो चौथा ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन जो नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो आपका चुनाव चिन्ह है वो आप देख सकते हैं इस तरह का है। कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों आपका CPI का इस तरह से है, AIM पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह आपका इस तरह से है। तो आपका कौन सा था, आप ऑप्शन के अनुसार आप मिला लीजिएगा। सभी का चुनाव का पार्टी का चिन्ह दोस्तों मैंने बता दिया है। और भी देखने को शायद मिल रहा है कि IPL में कितना टीम खेली था, ये तो शायद सेकेंड शिफ्ट में आपका आया था, लेकिन लोगों का कहना है कि ये थर्ड शिफ्ट में भी आया है। तो IPL में दोस्तों आपको मालूम होगा IPL 2022 में कुल 10 टीम आपका खेलते हैं, जो कि गुजरात टाइटंस और आपका लखनऊ सुपर जायंट, दो नई टीम आपका पार्टिसिपेट लिया था। तो दोस्तों आज जो प्रश्न मिले हैं वो बहुत कम ही मिले हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न है वो 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है, तो इससे विचलित नहीं होना है। अगर आपको भी कोई प्रश्न अगर याद है एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न लिखिएगा, ताकि जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है उनको कुछ सहयोग मिल जाए। अब बात करें दोस्तों किन किन टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो करंट अफेयर से दोस्तों प्रश्न देखा गया था आपका 5 से 6 प्रश्न दोस्तों आपका आए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका हिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न, आप पॉलिटिक्स से दोस्तों आप 2 प्रश्न आपका देखने को मिला था, और दोस्तों ज़्यादा ज्योग्राफी से दोस्तों आपका 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स से 1 से 2 प्रश्न आपका इस शिफ्ट में आया था। इसके बाद दोस्तों आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है उससे दोस्तों आपका सीटिंग अरेंजमेंट का जो पोर्शन है उससे दोस्तों हमेशा 3 से 5 प्रश्न आपका देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप इन सभी को देख कर जाना है। इसके अलावा दोस्तों आपको NCERT 10th, 9th, 10th का भी पढ़ लीजिए, जिनके पास समय है, आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादातर आपका केमिकल रिएक्शन से प्रश्न आ रहे हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ओम के नियम से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका प्रतिरोध निकालने के लिए लाइट से प्रश्न आपका आ रहे हैं। तो इन सब जो टॉपिक मेन टॉपिक है जिससे एक प्रश्न आपका पूछे ही जा रहे हैं, उस प्रश्न को आप पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।